सर, आयरन टैबलेट्स और आयरन इंजेक्शंस में कौन सा अच्छा है? सो अनीमिया में जब हीमोग्लोबिन गिरता है वैसा केसेस में, अनीमिया का कारण न्यूट्रिशन डिफिशियंसी है तो, माने आयरन और B12 डिफिशियंसी में, आयरन का डिफिशियंसी में सोचना है कि क्या ट्रीटमेंट देना है। सो अभी टैबलेट्स और आयरन इंजेक्शन इसके बारे में बात किया, तो जब पेशेंट को हीमोग्लोबिन हल्का सा कम होता है, समझिए 9 ग्राम्स 8 ग्राम्स होता है, तब हमको टाइम होता है, पेशेंट्स को भी ज़्यादा सिम्टम्स नहीं होता, सो तब हम टैबलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि टैबलेट्स इंजेक्शन कंपेयर किया तो टैबलेट्स थोड़ा धीरे धीरे काम करते हैं, इंजेक्शन थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मगर फिर थोड़ा कंपेयर किया तो इंजेक्शन थोड़ा जल्दी काम कर सकते हैं। अनीमिया सीवियर है तो बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, समझिए 5 ग्राम 4 ग्राम, हम बात कर रहे हैं आयरन डिफिशियंसी अनीमिया में, बाकी ओके अनीमियास में नहीं, ये ट्रीटमेंट जो भी बात कर रहे हैं ये पूरा अनीमियास में नहीं, केवल आयरन कमी का अनीमिया में हम बात कर रहे हैं। जी कुछ पेशेंट्स में जो हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है वो लोगों में जल्दी बढ़ाने का कोशिश करते हैं ना, उनको थोड़ा टाइम कम होता है क्योंकि पेशेंट को ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि जब भी अनीमिया होता है 5 ग्राम्स 4 ग्राम्स आता है बॉडी में ज़्यादा सिम्टम्स होते हैं, सो बहुत टायर्ड होते हैं, वीकनेस ज़्यादा होते हैं, वो लोग काम नहीं कर सकते, आराम से बैठ नहीं सकते, ठीक है, ऐसा केसेस में जल्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जल्दी बढ़ाने की कोशिश में कुछ बार ब्लड भी देना पड़ता है, क्योंकि बैठने से भी पेशेंट्स कंफर्ट नहीं रहते हैं, ऐसा सिक पेशेंट्स में ट्रांसफ्यूजन कर देते हैं, इतना सिम्टम्स नहीं है ठीक है, थोड़ा इतना सीवियर नहीं है तो सेकेंड स्टेप इंजेक्शंस प्रेफर करते हैं, क्योंकि इंजेक्शन से थोड़ा जल्दी बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है। और ऐसा सिचुएशंस भी आते हैं कि टैबलेट स्टार्ट करने के बाद कुछ पेशेंट्स में वो टॉलरेट नहीं करते हैं, सो आयरन टैबलेट्स की वजह से क्या होता है, कुछ पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन आता है, वॉमिटिंग सेंसेशन आता है, उल्टी करने का सेंसेशन होता है, कुछ पेशेंट में बॉडी पेन्स होता है, कुछ पेशेंट्स में बहुत डिस्कम्फर्ट होता है आयरन टैबलेट्स की वजह से, वो लोग नहीं ले सकते हैं, बहुत हल्का हल्का कुछ डिस्कम्फर्ट कुछ लोगों को होते हैं, मगर एक 5 दिन के बाद सेट हो जाता है कुछ पेशेंट्स में, मगर कुछ पेशेंट नहीं ले सकते, तो वो लोगों को क्या करते हैं, तो फिर वो लोगों को इंजेक्शन ही देना पड़ता है। अभी ज़्यादा लोगों में सोचे से कि इंजेक्शंस बहुत डेंजरस है, इंजेक्शंस से रिएक्शंस ज़्यादा आता है, इंजेक्शंस के बारे में बात किया तो इंजेक्शंस दो तरह के इंजेक्शंस होते हैं, जब पुराना यूज़ करते थे सुक्रोस इंजेक्शंस यूज़ करते थे, सुक्रोस इंजेक्शन से थोड़ा रिएक्शंस ज़्यादा आता है और वो ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल को जाके लेना पड़ता है, एक बार 200 mg लेते हैं और बार बार हॉस्पिटल को जाके लगाना पड़ता है, क्योंकि एक ही डोज एक ही बार नहीं दे सकते हैं आयरन इंजेक्शन, क्योंकि एक 60 kg अडल्ट को लिया तो बहुत सीवियर आयरन डिफिशियंसी में उसको एटलीस्ट 1.5 ग्राम आयरन डोज मिलना पड़ता है, वो सुक्रोस इंजेक्शन से देना है तो ये सुक्रोस में एक 200 mg इंजेक्शन मिलता है, वो मल्टीपल टाइम्स देना पड़ता है और उसका रिएक्शंस भी थोड़ा ज़्यादा आता है। अभी फेरिक कार्बोक्सीमाल्टोस बोल के आयरन प्रिपरेशन से और आइसोमाल्टोसाइड बोल के आयरन प्रिपरेशन से, ऐसा प्रिपरेशन में ज़्यादा डोज एक ही बार दे सकते हैं, 2 सेटिंग्स में फिनिश कर सकते हैं, ठीक है, इससे ए इंजेक्शन से थोड़ा रिएक्शन रेट भी कम आता है, इतना डरने का जरूर नहीं, मगर कुछ बार आयरन इंजेक्शन से भी रिएक्शन आ सकता है, ये याद रखना है। आयरन इंजेक्शन कभी भी लिया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के सुपरविजन में लेने अच्छा है, सो इंडिकेशन देख के हम दे सकते हैं, कुछ बार सीवियर अनीमिया है तो भी ऐसा भी पेशेंट्स हैं टैबलेट से हम बढ़ा सकते हैं, मगर वहाँ कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लेने से जल्दी बढ़ने का चांसेस है। 2 बार टैबलेट लेना, खाने के पहले लेना और टैबलेट के साथ लेमन जूस ऑरेंज जूस मिलके लेना, और हरे सब्जी डाइट में चेंजेस करना और मीट लेना, ऐसा कंबाइन करने से वो अच्छा टॉलरेट करे तो हीमोग्लोबिन बहुत जल्दी बढ़ सकता है, मगर जब हीमोग्लोबिन 5 ग्राम 6 ग्राम होता है कंप्लीट बेड रेस्ट में रुकना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब 5 ग्राम्स बॉडी में होता है बॉडी बहुत स्ट्रेस में होता है, ठीक है, सो हार्ट ज़्यादा पंपिंग करता है वो कॉम्पनसेट करने के लिए, सो और आप ज़्यादा स्ट्रेस पुश किया तो फेंट होने का चांसेस होते हैं, इसीलिए जब एटलीस्ट 8 ग्राम्स तक हीमोग्लोबिन आता है कंप्लीट बेड रेस्ट में रुकना अच्छा होता है, मगर कोई भी डिसीजन है वीडियो देख के नहीं लेने का, सो आपको डॉक्टर से बैठ के बात करके सुपरविजन में ये ट्रीटमेंट लेना अच्छा है। सो ऐसा मल्टीपल ऑप्शन है, कुछ सिचुएशंस में टैबलेट ही अच्छा है, कुछ सिचुएशन में इंजेक्शन ही अच्छा है, ठीक है, ये दोनों केस टू केस बेसिस हम देख के डिसाइड करना पड़ता है।